दोस्तों प्ले स्टोर से आपका स्टोरी बीट एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपने कुछ सेटिंग्स मिस की है, जिसकी वजह से प्ले स्टोर से सिर्फ स्टोरी बीट ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे ना तो वो डाउनलोड ही नहीं होगा, वो पेंडिंग पे ही रहेगा। चाहे वो आपका ऐप हो, चाहे वो आप ऐप अपडेट करते होंगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उस पहले आपको सेटिंग दिखा देता हूँ कि किन किन सेटिंग को आपको करना पड़ेगा। आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे आ जाना है, ओके। उसके बाद में आपके मोबाइल में, सब मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरफेस होते हैं। जैसे मेरे मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस है, जैसे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, तो इस तरीके का ऑप्शन होगा, आपको उस ऐप्स वाले में आपको क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद में आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है। लाइक ये मेरा गूगल प्ले स्टोर है, इसे ओपन करता हूँ। जब आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे अगर आपने सेटिंग्स अलाउ करके नहीं रखा है, ठीक है, वहाँ पे उसका जो डिजेबल होगा तो आपका कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो डाउनलोड नहीं होगा। तो चलिए पहले आपको दिखाता हूँ। परमिशन पे क्लिक करना है आपको, यहाँ से जितने परमिशन है सब अलाउ कर देना, ठीक है। फाइल्स एंड मीडिया, यहाँ पे अलाउ मीडिया, यहाँ पे ये पहले से डिफ़ॉल्ट है, ओके। उसके बाद फ़ोन यहाँ पे अलाउ किया हुआ पहले से ही। उसके बाद में SMS, यहाँ से SMS को भी आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन डोंट अलाउ, ठीक है, वो आप ज़रूरी नहीं है, इसको डोंट अलाउ पे रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल डाटा जो है दिस वन, यहाँ पे देखिए कहीं आपके यहाँ पे मेरा इसमें तो ऐसा ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। अगर आपके मोबाइल में वहाँ पे शो कर देगी, दो ऑप्शन होते हैं, एक मोबाइल से एक वाईफाई से। वहाँ से अगर आपने मोबाइल डाटा को ऑफ करके रखा है और वाईफाई का ऑन करके रखा है, इनेबल करके, ठीक है, मेरे मोबाइल में शो नहीं कर रहा। बहुत सारे मोबाइल में शो करता है कि डाउनलोड एप्लीकेशन या डाउनलोड थ्रू वाईफाई, थ्रू मोबाइल इंटरनेट, ऐसा ऑप्शन आता है, वो आपको चेक कर लेना है। मैंने यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए मोबाइल डाटा मैंने दोनों चीज़ ऑन करके रखा है, ठीक है। आपके यहाँ पे जैसे डाउनलोड थ्रू वाईफाई, डाउनलोड थ्रू मोबाइल डाटा, ये दोनों चीज़ होगा। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल से, ठीक है, और आपने उस मोबाइल वाले बटन को इनेबल डिसेबल करके रखा है और वाईफाई वाले को इनेबल करके रखा है, तो मोबाइल से जो भी डाउनलोड करेंगे आप इंटरनेट से, मोबाइल के इंटरनेट से, तो वो आपका डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर दोनों चीज़ों में अगर वाईफाई ऑन होगा तो वाईफाई ऑफ करके आपके मोबाइल डाटा यूजेज जो है उसको ऑन कर देना है, ठीक है। बहुत सारे मोबाइल में ऐसा इंटरफेस रहता है, मेरे मोबाइल में ऐसा इंटरफेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बैक जाने के बाद मैं इस एडवांस पे क्लिक करता हूँ, तो एडवांस पे देखें यहाँ पे मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, सब चीज़ को आपको अलाउ करके रखना है, ओके, ठीक है। अब सिंपली मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ स्टोरी बीट एप्लीकेशन। स्टोरी बीट क्या, कोई भी एप्लीकेशन अभी सिंपली ईजिली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए अभी तुरंत डाउनलोड होने लग जाए, ये पेंडिंग दिखा रहा है, आपके यहाँ पे पेंडिंग दिखाता होगा, आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका पेंडिंग ही दिखाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन भी शो कर रहा है दिस वन, ओके, सी। इस तरीके से आपको जितना भी आपका मोबाइल का सेटिंग्स है प्ले स्टोर का, आपको सब ऑन करके रखना है, वरना आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ना ही आप फ़ोन अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर देना, ठीक है। मेरे जितने ही वीडियो हैं आपके पास पहुंचते रहेंगे फ्री में, आपको नॉलेज भी मिलता रहेगा, आप इंटरटेन भी होते रहेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, दिस इज मुनु रेसागर टेक्निकल ट्रैक चेकिंग आउट।